स्टूडेंट्स ये चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव की प्रॉब्लम नंबर वन है राइट right? तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन और इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओके सो यहां पे हमारे पास चार प्रॉब्लम्स गिवन है और इन चार प्रॉब्लम्स में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है आपने ये बताना है कि इनके केस में किस में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है नो सॉल्यूशन आ रहा है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ रहे हैं राइट right? तो अगर तो किसी केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट right? सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास किन कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आता है नो no सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं राइट सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कंडीशंस मेंशन करेंगे सो so, हमारे पास अगर तो जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इन वेरिएबल्स के साथ ठीक है वो a1 a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 b2 आएगा तो श्योरली ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा राइट नाउ नेक्स्ट वन इज अगर मेरे पास ए वन बाई ए टू दैट मींस कॉफिशियंट जो है ए वन बाय ए टू वो बी वन बाई बी टू के इक्वल आएगा एंड सी वन बाय सी टू के इक्वल आता है तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ऑब्जर्व होंगे राइट थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि ए वन बाई ए टू जो है वो बी वन बाई बी टू के इक्वल तो आएगा लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो इस कंडीशन में हमारे पास नो no सोल्यूशन आएगा दैट मीन्स कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश है इनके केस में एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी सो द फर्स्ट वन इज एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन जो है थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो राइट अब इन जो केसेस है ठीक है इन्हें हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे और ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन मान रहे हैं तो इसके कॉफिशियंट को हम ए वन कहेंगे इक्वल टू जीरो आएगा राइट तो अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो डेफिनेटली यहां पे एक्स के साथ मैं वन एज्यूम कर सकती हूं तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज वन राइट और b1 वन यहाँ पे बीच में प्लस है लेकिन इस इक्वेशन में देखा जाए तो माइनस आ रहा है तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि b1 की वैल्यू जो है वो माइनस थ्री है अब c1 की वैल्यू श्योरली b1 y वाई प्लस सी है लेकिन यहाँ पे थ्री वाई माइनस थ्री है दैट मीनस कि c1 की वैल्यू हमारे पास माइनस थ्री आएगी राइट right? अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं सो यू कैन राइट कंपेयरिंग विद इसे मैं सेकेंड इक्वेशन कह रही हूं तो इसके जो कॉफिशियंट होंगे उनको हम ए टू बी टू और सी टू कहेंगे राइट सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो ना इस कंडीशन में देखा जाए तो ए टू की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री बी टू की वैल्यू हमारे पास माइनस नाइन आ रही है और सी टू की वैल्यू माइनस टू आ रही है अब हम ए वन बाई ए टू इसकी वैल्यू देखते हैं सो ए वन बाय ए टूल टू ए वन की वैल्यू वन है और ए टू की वैल्यू थ्री आ रही है राइट बी वन बाय बी टू सो बी वन की वैल्यू माइनस थ्री है और बी टू की वैल्यू माइनस नाइन आ रही है ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा सो थ्री वन द्री एंड थ्री थ्री द नाइन सो बी वन बाई बी टू कितना गया दैट इज ऑल्सो वन बाई थ्री अब सी वन बाई सी टू देखते हैं सो सी वन की वैल्यू माइनस थ्री है और सी टू की वैल्यू माइनस टू है माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया सो सी वन बाई सी टू कितना आ गया थ्री बाय टू आ गया सो so, अगर आप देखो तो हमारे पास ए वन बाई ए टू वो इक्वल टू बी वन बाई बी टू तो आ रहा है लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय C2. इस कंडीशन में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका नो no सॉल्यूशन आता है राइट नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं अब हम इट इज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड नेक्स्ट वन इज थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू

सो so, ये इक्वल टू जीरो आ गया दोनों इक्वेजन आ गई हैं अगेन अब हम इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेजन के साथ कंपेयर करेंगे एक साइड हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं सो टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो आ गया और सेकेंड इक्वेशन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो आ गया ना फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ सो यू कैन राइट कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ए वन एक्स फर्स्ट इक्वेशन है इसीलिए हम इसके कॉफिशियंट्स को ए वन बी वन और सी वन कहेंगे सो बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो आ गया सो so, अगर इन्हें कंपेयर करें तो ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है टू आ रही है बी वन की वैल्यू हमारे पास वन आ रही है और सी वन की वैल्यू माइनस फाइव आ रही है राइट right? और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसे भी कंपेयर करते हैं सो कंपेयरिंग विद ये सेकेंड इक्वेशन है इसीलिए हम इसके कॉफिशियंट को ए टू बी टू और सी टू कहेंगे राइट सो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो सो ए टू की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बी टू की वैल्यू टू आ रही है और सी टू की वैल्यू माइनस एट आ रही है राइट right? अब हम इन्हेंटली ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू की फॉर्म में लेके आएंगे टू so, आ, right? so, आ गया अब इसी से क्लियर हो जाता है कि ए वन बाय बी वन बाय बी टू के इक्वल नहीं आ रहा है राइट सी वन बाय सी टू हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है सो so, जब भी ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होल्ड करती हैं राइट सो अब हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब दोनों इक्वेशंस अपनी लिख लोगे यू कैन राइट ओवर हियर सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेजन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देती हूँ इसे मैं सेकेंड इक्वेशन कह देती हूँ अब हमने इन्हें लिखना कैसे है अब ये देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो मेरे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं ठीक है इन्हें मेंशन करूंगी सो एक्स मेंशन कर दिया y मेंशन कर दिया मेरे पास यहां पे माइनस फाइव के साथ कोई भी वेरिएबल मेंशन नहीं है तो श्योरली मैं यहां पे वन ले लूंगी राइट right? अब x वाले जो कॉफिशियंट हैं उनको आप छोड़ दो y और जो मेरे पास नेक्स्ट कॉफिशियंट आ रहा है वन का उसे कंसिडर करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम अपने कॉफिशियंट देख लेते हैं राइट तो एक्स जो है यहाँ पे हमने ये वेरिएबल किया हुआ है तो एक्स के कॉफिशियंट को छोड़ के बाकी के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वाई और वन इनके कॉफिशियंट्स देखेंगे राइट तो मेरे पास जो वाई है ठीक है उसका कॉफिशियंट स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या आता है बी आता है राइट और सेकेंड इक्वेशन में बी आएगा राइट और सेकेंड वन काफिशियंट सी वन आता है और सेकेंड इक्वेशन में सी टू आएगा राइट इन दोनों कॉफिशियंट के बीच में हमने x को रखना है राइट एंड नेक्स्ट अब हम y देखते हैं सो so, y के को आप इग्नोर कर दो अब हमने ऑलरेडी हमारे पास y जो है वो एक साइड से जो वन के कॉफिशियंट है उनके बीच में आ रहा है राइट और सेकेंड साइड पे अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास x के कॉफिशियंट है वो ले लेंगे सो so, x के कॉफिशियंट स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए वन बाय टू आता है अगेन अब हम देखते हैं. तो वन साइड right? से, जो है, A1 से है। और जो है वो बाय फर्स्ट कॉफिशियंट बी वन होगा और सेकेंड कॉफिशियंट सेकेंड इक्वेशन में बी टू होगा राइट अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है सो so, डेफिनेटली हम क्या करेंगे B1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और B2 को C1 के साथ अगेन C1 को हम A2 के साथ और C2 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे राइट नाउ फर्स्ट इज A1 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड A2 को B1 के साथ अब हमने फाइंड आउट x, y और 1 की वैल्यू करनी है x, y अपने फर्स्ट कॉफिशियंट से स्टार्ट करते हैं राइट right, तो यहां भी देखा जाए तो डेफिनेटली मेरे पास जो एरो है ठीक है एरो स्टार्ट यहाँ पे इसकी टेल स्टार्ट बी वन से हो रही है और एंड कहाँ पे कर रहा है ये सी टू पे मतलब कि इसका हेड जो है वो सी टू की तरफ इंक्लाइंड है सो so, यहाँ पे एक्स बाय बी वन सी टू आ जाएगा माइनस अब ये जो सेकेंड कॉफिशियंट है बी टू और ये एंड कहां पे कर रहा है सी वन पे सो बी टू इन टू सी वन आ जाएगा इक्वल टू नेक्स्ट अब हम y की वैल्यू देखेंगे सो so, यहाँ पे y बाई अब जो फर्स्ट एरो देखा जाए तो इसकी टेल जो है वो C1 से स्टार्ट होके हेड जो है वो A2 पे एंड कर रहा है तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास C1 A2 आ जाएगी माइनस अब सेकंड एरो जो है वो C2 से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि इसकी टेल जो है वो C2 से स्टार्ट हो रही है और A1 पे एंड कर रही है सो so श्योरली C2 टू इन टू आ गया इक्वल टू वन ले लेंगे वन डिवाइडेड बाय फर्स्ट एरो चेक करते हैं सो फर्स्ट एरो जो है उसकी टेल ए पे है और एंड जो है हेड बी पे कर रहा है सो ए वन माइनस अब यहां पे जो सेकंड एरो है डेफिनेटली उसकी जो टेल है वो ए टू से स्टार्ट हो रही है और हेड जो है वो बी वन पे एंड कर रहा है सो ए टू इंटू बी वन आ जाएगा राइट right? अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे फर्स्ट कंडीशन एक्स वाई और वन इन तीनों को मेंशन कर दिया नाउ एक्स के विद रिस्पेक्ट हम पहले बी वन और बी टू की वैल्यू लिखेंगे सो बी वन की वैल्यू वन है ठीक है और बी टू की वैल्यू

नेक्स्ट देखते हैं वन एक साइड से डेफिनेटली हमारे पास ए वन बाई ए टू के है, और साथ सराउंड करेंगे सो डेफिनेटली एंड आ जाएगा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे सो so, सबसे पहले जो हमारे पास अपर वैल्यू है उसे कंसिडर करेंगे देन लोअर वैल्यू अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगा राइट अब फर्स्टली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है राइट right? सो so, x डिवाइडेड बाय अब हमारे पास जो फर्स्ट कॉफिशियंट है हम उसे मेंशन करते हैं वन इंटू नौ ये जो हमारे पास एरो आ रहा है इसका हेड किस की, की तरफ है माइनस एट की तरफ है तो वन इंटू माइनस एट हो जाएगा देन उसके बाद सेकंड कॉफिशियंट देखते हैं सो माइनस टू इंटू एरो का हेड माइनस फाइव की तरफ है सो इन माइनस फाइव आ गया इक्वल टू वाई बाई अब फर्स्ट कॉफिशियंट हमारे पास माइनस फाइव आर है एरो का हेड डेफिनेटली थ्री की तरफ है तो इंटू थ्री हो जाएगा माइनस अब हमारे पास जो सेकेंड कॉफिशियंट है माइनस एट इन टू एरो का हेड टू की तरफ है सो इंटू टू आ गया इक्वल टू वन बाय नौ अब फर्स्ट कॉफिशियंट टू आर है इन टू एरो का हेड टू की तरफ है सो इंटू टू हो जाएगा माइनस थ्री इंटू वन आ गया अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं सो एक्स बाय इंटू माइनस एट माइनस एट आ गया टू इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन आ गया राइट माइनस एट इंटू टू माइनस सिक्सटीन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो प्लस सिक्सटीन बन गया इक्वल टू वन बाई थ्री आ गया सो एक्स बाय माइनस एट प्लस टेन टू बन गया इक्वल टू वाई बाय माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन वन आ गया इक्वल टू वन बाय फोर माइनस थ्री

वन के इक्वल करना है सो वन बाई वन आ गया अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू वन इक्वल टू वन इंटू वन आ गया सो वाई इंटू वन वाई हो गया वन इंटू वन वन आ गया दट मीन कि एक्स की वैल्यू हमारे पास टू आ रही है राइट right? और वाई की वैल्यू वन आ रही है अब हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं सो द थर्ड वन इज थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी एंड 6x एक्स माइनस टेन वाई टू फोर्टी अगेन हम इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्स के अकॉर्डिंगली लिख लेंगे so, right ले जाऊंगी तो ये माइनस कहा जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो बन गया ना दिस वन सिक्स एक्स माइनस टेन वाई ये फोर्टी जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस कहा जाएगा इक्वल टू जीरो आ गया अब हम ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, ठीक है इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दैट इज थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो है और सेकेंड इक्वेशन सिक्स एक्स माइनस टेन वाई माइनस फोर्टी इक्वल टू जीरो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फर्स्ट इक्वेजन देखती हूँ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो सो इसमें ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री बी वन की वैल्यू माइनस फाइव आ रही है और सी वन की वैल्यू माइनस ट्वेंटी आ रही है आपने क्या किया आपने ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो x वाले जो हमारे पास वेरिएबल है और वन जो है उस वेरिएबल को इग्नोर करके ए वन बी वन और सी वन की वैल्यू देख ली है अब नेक्स्ट इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं इसे मैं सेकेंड इक्वेशन ले रही हूं तो इसके कॉफिशियंट्स को ए टू बी टू और सी टू मान लूंगी सो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टूक्वल टू जीरो आ गया A2 की वैल्यू सिक्स आ रही है B2 की वैल्यू माइनस टेन है और C2 की वैल्यू माइनस फोर्टी है फॉर्म में देखना है तो A1 की वैल्यू थ्री आ रही है और A2 की वैल्यू सिक्स है थ्री वन द थ्री थ्री टू दिक्स ए वन बाय ए टू कितना आ गया वन बाय टू बी वन की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव है और बी टू की वैल्यू माइनस टेन है माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया फाइव वन द फाइव फाइव टू द टेन सो बी वन बाई बी टू वन बाई टू आ गया सी वन बाई सी टू सो सी वन की वैल्यू माइनस ट्वेंटी है और सी टू की वैल्यू माइनस फोर्टी है दोनों माइनस के साइन कैंसिल हो गए ट्वेंटी वन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू द फोर्टी सो सी वन बाय सी टू कितना आ गया वन बाई टू आ गया अब इस कंडीशन में हमारे पास ए वन बाय ए टू बी वन बी टू के इक्वल आ रहा है एंड सी वन बाई सी टू के भी इक्वल है सो so, इस कंडीशन में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आते हैं सो यू कैन राइट ओवर हियर वी आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अब हम फोर्थ इक्वेशन देखते हैं सो so, फोर्थ इक्वेशन इज x माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो और सेकेंड इक्वेशन इज हमारे पास थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो इन दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे सो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयरिंग विद ए वन x plus b1 y plus c1 equal to 0 सो so, इस कंडीशन में a1 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं x के साथ हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं था तो मैंने वन अज्यूम कर लिया तो a1 की वैल्यू वन आ रही है b1 की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है और c1 की वैल्यू माइनस सेवन आ रही है नाउ नेक्स्ट इक्वेशन को हम अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे सो कंपेयरिंग विद ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो सो ए टू की वैल्यू थ्री आ रही है बी टू की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है और सी टू की वैल्यू माइनस फिफ्टीन आ रही है राइट right? अब ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू देखते हैं ए वन बाई ए टू इक्वल टू ए वन की वैल्यू वन है और ए टू की वैल्यू थ्री है बी वन बाई b2 टू सो बी की वैल्यू माइनस थ्री है और b2 की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है सो so, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया थ्री वन द एंड थ्री वन द्री बी वन बाई बी टू कितना आ रहा है वन बाई वन इसी से क्लियर हो गया है कि ए वन बाई ए टू जो है वो बी वन बाय बी टू के इक्वल नहीं आ रहा है सी वन बाई सी टू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है सो so, इस कंडीशन में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका यूनिक सोल्यूशन आता है राइट right? अब क्वेश्चन में ही इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन आता है इन दैट कंडीशन आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हम अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर दैट हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ इसे सेकंड इक्वेशन मान लेती हूँ फॉर्मुला हमने ऊपर ही डिराइव किया है कि अगर मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है तो फॉर दैट हम एक्स वाई और वन तीन वेरिएबल मेंशन कर लेंगे x जो है उसके कॉफिशियंट को तो इग्नोर करके सबसे पहले हम y के कॉफिशियंट लिखेंगे जो कि माइनस थ्री माइनस थ्री आ रहे हैं ठीक है उसके बाद हम वन के कॉफिशियंट लेंगे दैट इज माइनस सेवन माइनस फिफ्टीन ना वाई के कॉफिशियंट को इग्नोर कर दोगे पहले वन के कॉफिशियंट आएंगे फिर एक्स के कॉफिशियंट तो एक्स के कॉफिशियंट वन एंड थ्री है अब हमने वन के कॉफिशियंट को इग्नोर करके पहले एक्स के कॉफिशियंट मैंशन करेंगे देन उसके बाद हम वाई के कॉफिशियंट मैंशन करेंगे सो so, वाई के कॉफिशियंट माइनस थ्री माइनस थ्री आ गए अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगी सो so, यहां पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर दी सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू देखेंगे एक्स बाय सो जहां पे हमारा फर्स्ट एरो की टेल आ रही है पहले हम वो कंसिडर करेंगे माइनस थ्री इन टू जहां पर हेड एंड कर रहा है माइनस फिफ्टीन माइनस आ गया देन देकेंड एरो की पे टेल है इज माइनस थ्री इन अब जहां भी इसका हेड एंड कर रहा है माइनस सेवन आ गया इक्वल टू वाई की वैल्यू सबसे पहले फर्स्ट एरो फर्स्ट एरो की टेल माइनस सेवन इंटू हेड थ्री माइनस सेकेंड एरो माइनस फिफ्टीन इंटू वन बन जाएगा अब वन के विद रिस्पेक्ट सो फर्स्ट एरो 1 टू माइनस थ्री आ गया माइनस नाउ सेकेंड एरो थ्री इंटू माइनस थ्री आ गया राइट अब हम इसे सॉल्व करेंगे सो एक्स बाई माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन श्योरली ये हमारे पास प्लस का फोर्टी फाइव आ जाएगा माइनस नाउ माइनस थ्री माइनस सेवन ये प्लस ट्वेंटी वन दे देगा सो माइनस ट्वेंटी वन आ गया इक्वल टू वाई बाई माइनस सेवन इंटू थ्री माइनस ट्वेंटी वन आ गया माइनस फिफ्टीन इंटू वन माइनस फिफ्टीन आ गया माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस ये प्लस का फिफ्टीन बन जाएगा राइट इक्वल टू अब वन बाय वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री आ गया थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस नाइन इंटू माइनस ये प्लस का 3 9, ये 6 दे देगा। सबसे पहले अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं so x 24, इसे हम वन के इक्वल कर देंगे सो so ये वन बाय सिक्स आ गया राइट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सो एक्स इन सिक्स आ गया इक्वल टू वन इंटू ट्वेंटी फोर आ गया सो so, यहाँ पे अब हम सिक्स एक्स इक्वल टू वन इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कंसिडर कर लेंगे एक्स की वैल्यू ट्वेंटी फोर बाय सिक्स हो गई सिक्स वन दिक्स एंड सिक्स फोर द श्योरली ट्वेंटी फोर आ गया तो so, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है फोर आ रही है अब नेक्स्ट हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो so, y की वैल्यू के लिए जो y वाली टर्म्स हैं, ठीक है y बाय माइनस सिक्स उसे हम वन वाली टर्म्स के इक्वल कर देंगे सो वन बाय सिक्स आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so, y इंटू सिक्स इक्वल टू वन इंटू माइनस सिक्स आ गया राइट right? सो so, ये सिक्स वाई बन गया वन इंटू माइनस सिक्स माइनस सिक्स आ गया वाई इक्वल टू माइनस सिक्स बाय सिक्स सिक्स वन द सिक्स वा दिक्स सो so, y की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज माइनस वन सो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है जिसका यूनिक सोल्यूशन है उस केस में x की वैल्यू फोर आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ रही है